के दर्शकों ने कॉमेडी और रोमांटिक फिल्में तो बहुत देखी होंगी, लेकिन फिल्म जिन जान में दर्शकों को एक अलग तरह की रोमांटिक कॉमेडी देखने को मिलेगी। 14 जून को रिलीज होने जा रही इस फिल्म में एक अलग तरह का रोमांस, एक्शन, ट्विस्ट और सस्पेंस है जो दर्शकों को अंत तक बांध कर रखेगा। यह फिल्म ना सिर्फ दर्शकों को गुदगुदाएगी बल्कि पंजाब के कल्चर से जुड़े रहने का संदेश भी देगी। यह कहना था पंजाबी फिल्म जिन चांद की स्टार कास्ट का। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही हिमाचल के कुल्लू की रहने वाली और साउथ की फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी सारा शर्मा ने कहा कि यह उनकी पहली पंजाबी फिल्म है। अभिनेता राजवीर जवंदा ने कहा कि इससे पहले उन्होंने फिल्म सूबेदार जोगिंदर सिंह में अभिनय किया था, मगर मुख्य हीरो के रूप में वे पहली बार इस फिल्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में उन्होंने बहुत मेहनत की है। आइए आपको मिलवाते हैं सारा शर्मा और राजवीर जवंदा से। टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा में सारे पंजाबीज का वार्म वार्म वेलकम। यस, वी आर हियर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू दी अपकमिंग मूवी स्टार कास्ट। हमारे साथ आई हुई है जिन चांद की राजवीर जवंदा जी एंड मिस सारा शर्मा जी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट से। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स। सत श्री अकाल जी। सारे टी वी देख रहे सारे दर्शकों पंजाबी भरावान को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स। थैंक यू जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल टाइम्स पंजाब के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, जैसे हमने स्टार्टिंग में तो आपने एक सॉन्ग सुनाया ही था, बट हम चाहते हैं आपकी इतनी जो एल्बम सभी पीछे आई थी बहुत सुपर डुपर हिट हुई, बहुत अप्रिसिएशन भी मिली उसको, तो उसकी कुछ लाइंस स्टार्टिंग में आप देखो जी, अभी गाने का जो है वो तो स्टेज पे गाएंगे क्योंकि मेरे को हथियार नहीं है कि मेरे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो गाने जो हैं वो स्टेज पे आपको दिखाएंगे। मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे लाइव पड़े हुए हैं, जस रिकॉर्ड के पेज पे पड़े हुए हैं, मेरे अपने पेज पे, तो आप वहाँ पे जाके ऑन सेट दो लाइनें तो प्लीज। वे मैं सोनिया बनाउनी देती कंगनी वे तेरा मेरा नाम लिख के। थैंक यू। सिंगल लाइन, ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो मैम, तो मैम आप ये बताइए सबसे पहले कि लुधियाना आप फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ जी, मेरा पहला विजिट है लुधियाना। कैसा लगा लुधियाना? बहुत अच्छा लगा, कुछ ज़्यादा अभी तो मैं घूम नहीं पाई। हाँ जी, बट आई होप लुधियाना को मैं पसंद आऊँ। तो मैम सबसे पहले प्लीज़ वी वॉन्ट योर इंट्रो इन योर वर्ड्स, आप प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम है सारा शर्मा और मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मैंने साउथ में पहले फिल्म्स की हैं और ये मेरी पहली पंजाबी फिल्म है, और मैं लुधियाना भी पहली बार आई हूँ, मैं प्रमोशंस के लिए आई हूँ। आई होप लुधियाना सिटी को मेरा काम पसंद आए, इनक्रेज करें नए टैलेंट को, और दैट्स इट। हिमाचल से आप बिलोंग करते हैं एंड आप तेलुगु मूवीज़ में काम, तो लैंग्वेज को कैसे ग्रैप किया और उसके बाद अब पंजाबी मूवी में आप डेब्यू करने जा रहे हैं, तो कितना डिफिकल्ट लगा आपको लैंग्वेजेस ग्रैप करना? मुझे बचपन से ना बहुत शौक़ था कि मैं नई नई भाषाएं सीखूं, तो सोचा तो था जर्मन, इटालियन, यू नो, फ्रेंच, पहुँचे हम तेलुगु, कन्नड़ और जो साउथ की लैंग्वेज है, उसके बाद पंजाबी, तो चलो अब हिमाचली से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती भी है, और तो हिमाचली और पंजाबी मुझे आती हैं शुरू से, बट मैं बहुत फ्लुएंट नहीं हूँ, तो प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा साउथ में हुई लैंग्वेजेस को लेके। पंजाब में इतनी नहीं, ठेठ पंजाबी जहाँ आई डायलॉग्स में वहाँ थोड़ा इशू आया। इस मूवी में कितना डिफिकल्ट हुआ आपको अपने डायलॉग्स डिलीवर करना? बहुत हुआ जी, बहुत हुआ। जहाँ पे नॉर्मल पंजाबी थी वहाँ तो ठीक था, लेकिन जहाँ बिल्कुल ठेठ पंजाबी आ जाती थी वहाँ इशू आए, तो राजवीर ने बहुत मदद की मेरी, बैठ के समझाते थे, जैसे इनकी हिंदी है वैसे मेरी पंजाबी है। तो चलिए सर, अब आप बताइए आपने अपनी म्यूजिकल जर्नी कब स्टार्ट किया? मॉडल, एक्टर हैं, सिंगर हैं, तो म्यूज़िक से आपको कैसे मतलब इन्फ्लुएंस हुए आप? मैं जी बचपन से ही गाने का काम करने लग गया था, जो छोटा, हाँ हिंदी, आप हिंदी बोलते हो तो मेरी हिंदी निकलती है बाहर, पंजाबी जी मैं दसना जी, मैं छोटा सी जदों छोटे होंदे तो मैं मेलियां च गाउणा, पंजाब दे विच बड़े जगह मेले लगते हैं, पिंडां दे विच मेले लगते हैं, मेलियां च गाउणा, मेलियां तो बाद फिर मैं कॉलेज जदों गया तो यूथ फेस्टिवल च हिस्सा लैन लग गया, म्यूजिक सीखना शुरू किया, उस तो बाद यूनिवर्सिटी चला गया, उत्थों भी कंपीटीशन जितते, गोल्ड मैडल दो बार लिया मैं यूनिवर्सिटी तो, उस तो बाद फिर हौली हौली प्रोफेसनल तरीके नाल मैं इधर आया, तो नवे नवे गाने जो किए तो पंजाबी स्रोतियां ने सानू प्यार दिता, उन्होंने लिए हमेशा मैं ऋणी रहूँगा, तो हुण हाल ही एक फिल्म असी शूट करके हटे हैं, तो उम्मीद करता मैं भी थोड़ा चंगी लगी। सर फर्स्ट मूवी कौन सी थी? सूबेदार जोगिंदर सिंह। हाँ। तो जब आप सिंगिंग लाइन के बाद एक्टिंग लाइन में आप आए, तो फर्स्ट मूवी के टाइम आप कितने नर्वस थे? नर्वस तो इतना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी पहले काम करते थे फिल्म का, तो मैंने थिएटर किया है, थिएटर डिपार्टमेंट, थिएटर टीवी डिपार्टमेंट पटियाला यूनिवर्सिटी से, तो इतना नर्वस नहीं था, पर बड़े पर्दे पे आना था मेरे को पहली बार, थोड़ी वो नर्वसनेस होती है हर एक बंदे को ना, तो वो थोड़ी थी।
पंजाबी मूवी इंडस्ट्री को आप कितना ग्रो अप करते हुए देख रहे हैं। सर आप पंजाबी में बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलते हो ना हिंदी, तो हमारी भी हिंदी निकलती है अंदर से, तो मैंने याद करा दिया करो भी पंजाबी च। साडा पंजाबियों का सुभाव है, कोई बंदा साढ़े ना हिंदी च गल करे असीं पंजाबी छड़ दिंदे आ। ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੋ ਵਿਊਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਸਣੇ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਭੀ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਮੂਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋ ਆਪ ਕਿਤਨਾ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕੁਛ ਸਾਲੋਂ ਮੇਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਸਾਰਾ ਮੈਮ ਕੇ ਸਾਥ ਕੈਸੇ ਆਪਕਾ ਔਨ ਸੈਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਰਹੀ, ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਆਪਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੋ ਕਿਤਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਥਾ ਉਨਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਸਿਖਾਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਮਾਲ ਕੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸੀਨ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਠ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਾਪਿਸ ਆਤੇ ਹੈਂ ਆਪਕੇ ਪਾਸ, ਤੋ ਮੈਮ ਇਸ ਮੂਵੀ ਕੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਮੂਵੀ ਕੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਮੇਂ, ਬੈਂਕੋਕ ਔਰ ਪਾਤਿਆ ਮੇਂ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਗੈਪ ਮੇਂ ਫਿਰ ਹਮ ਜਾਰਜੀਆ ਗਏ, ਹਮਨੇ ਵਹਾਂ ਸੌਂਗਸ ਸ਼ੂਟ ਕੀ ਆਪਣੇ, ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਗਾਣੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਔਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੌਂਗਸ ਵਹਾਂ ਬਰਫ ਮੇਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਏ ਹਮਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਰ ਤੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਠੀਕ ਥਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾੜੀ ਮੇਂ ਮੈਨੇ ਸੌਂਗ ਕੀਆ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਵੋ ਹਮਨੇ -14 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਮੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਔਰ ਪਤਲੀ ਸੀ ਜੈਕਟ ਮੇਂ ਥੇ, ਜੋ ਜੈਕਟ ਡੈਨਿਮ ਜੈਕਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੈਦਰ ਜੈਕਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੀ ਉਹ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੂ ਨੋ ਸ਼ੋ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟਸ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਆਫ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟਸ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਾ, ਲੋਕ ਪੰਜ ਛੇ ਕੱਪੜੋ ਮੇਂ ਗਲਵਸ ਟੋਪੀ ਬੂਟਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਥੇ, ਔਰ ਹਮ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਪੇ ਜੈਸੇ ਹਮ ਬਰਫ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਏ ਹੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੋ ਮੇਂ ਥੇ, ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈ ਉਸ ਮੇਂ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹਮ ਹਮਾਰਾ ਲਾਸਟ ਸਕੇਡਿਊਲ ਪੂਰਾ ਕੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਜੋ ਗਾਂਵ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਫਿਲਮ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਥੀ, ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕੀਆ। ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਪਕਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਛਾ ਰਹਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਯੋਰ ਫਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ, ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਚਾਂਸ ਆਗੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇਂ ਆਪ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਦੋ ਫਿਲਮਸ ਮੈਂ ਔਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ, ਜੀ ਉਸਕਾ ਸ਼ੂਟ ਅਭੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਔਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੋ ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ ਅਭੀ, ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਯੋਰ ਇੰਟਰਸਟ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਲਮ ਯਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆਈ ਥੀ, ਮੈਨੇ ਪੂਰਾ ਸੋਚਾ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਔਰ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਝੇ, ਇਸੀ ਲਈ ਮੈਂ ਆਈ ਹੂੰ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਮੈਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਆ ਕਿ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਏ ਜਿਸਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਾਂਚ ਹੂੰ, ਵਰਨਾ ਹਰ ਕੁਛ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਸੇ ਤੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੋ ਸਰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਮੇਂ ਜੈਸੇ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਆਪਕਾ ਜੋ ਅਭੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ, ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਤੋ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਾ ਤੜਕਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਮੇਂ ਲੱਗਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਤਨਾ ਹਸਾਨੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਮੇਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸਮੇਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਂ ਨਾ, ਤੋ ਅਭੀ ਆਪਕੋ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸਟਰੀ ਆ, ਭੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ, ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੋ ਦੋ ਜੋੜੀਆਂ ਪੈਰਲਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੋ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਚ ਪੌਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੰਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੱਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੰਚ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੰਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੀ ਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਟੁਸ਼ ਮਸਤੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪੰਚਸ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੇਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਥੇ ਔਰ ਵੋ ਬੋਲ ਦੇਤੇ ਥੇ, ਤੋ ਹਮ ਹੰਸ ਦੇਤੇ ਥੇ, ਵੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੰਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਤੀ ਥੀ ਜੋ ਵੋ ਪੰਚ ਪੰਚ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਫਿਲਮ ਮੇਂ। ਡਸਨਟ ਯੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰਾ ਸਕਤੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਘਮੰਡੀ ਰੌਬਦਾਰ ਲੜਕੀ ਬਣੀ ਹੂੰ, ਜਿਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਾ ਇਤਨਾ ਘਮੰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤੀ ਆਪਣੇ ਆਗੇ ਜੀ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਔਰ
गंदी लड़की है। तो मैम हम चाहते हैं कि जाते जाते अब आपकी मूवी रिलीज होने वाली है 14 जून को, आप लुधियानवी से आपकी फर्स्ट मूवी है, तो क्या आप अपील करना चाहेंगे, क्या एक स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? मैं टाइम्स पंजाब के सभी दर्शकों और लुधियाना से स्पेशली ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी पहली पंजाबी फिल्म है, मैंने बहुत मेहनत की, पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, एक रोम कॉम है, एक्शन है इसमें, कॉमेडी भरमार है और कुछ ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपको लगेगा कि वर्थ था फिल्म देखना। और एक एंड करूंगी इस बात को इस नोट पे कि हीर रांझा आपने बहुत देखे होंगे, अब जाके रांझा और जूलियट की लव स्टोरी देखिए। दैट सो नाइस सर, आपसे भी हम एक चाहते हैं कि एक ब्यूटीफुल सा मैसेज हिंदी में ताकि हम लोग सब आ सके, कोई अपीलिंग मैसेज दीजिए। मेरी तरफ से भी आप सबको पूरा हिंदी में, वही वही पंजाबी प्रॉपर हिंदी में, मैं बीच बीच में संस्कृत भी बोलूँगा, तो आप सबको मेरी, आप सबको मेरा निवेदन है। सही बोला। चलो ये तो मजाक में हो गया, आप सबको हमारी बेनती है जरूर इस फिल्म को देखिएगा, 14 जून को रिलीज़ हो रही है जिंद जान, तो बड़ी मेहनत से बनाई हुई मूवी है, आप देखिए और सभी को दिखाइए ताकि हम और अच्छी अच्छी मूवी आपके लिए लेके आए, पंजाबी सिनेमा हमारा और ग्रो करें। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच मैम अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ, तो अपकमिंग मूवी आने वाली है जिन जान की, स्टार कास्ट मिस्टर राजवीर जवंदानी एंड मिस सारा शर्मा, जो तेलुगु मूवी से अब फर्स्ट पंजाबी मूवी में डेब्यू करने जा रही हैं। और राजवीर जवंदा जी को तो आप सब जानते ही हैं, उनके सॉन्ग्स आप बहुत सुनते हैं, बहुत अप्रिशिएट भी किए हैं आपने, तो अब उनकी जो ये डेब्यू मूवी एज अ लीडिंग एक्टर रिलीज होने वाली है, उन्होंने अपील की है पंजाबी से लुधियानवी से कि गो एंड वॉच दिस मूवी, इस मूवी में आपको एक ब्यूटीफुल सा मैसेज, एक ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। प्लीज़ मैम एक बार आप रिपीट कीजिए, किसकी लव स्टोरी? रांझा और जूलियट की। रांझा एंड जूलियट, तो देखा आपने, मैम ने बताया रांझा एंड जूलियट की लव स्टोरी देखने को आपको मिलेगी, तो प्लीज़ मिस मत कीजिए इस मूवी को, 14 जून को अपने नियरेस्ट थिएटर्स में जाइए एंड खूब सारा प्यार दीजिए इस मूवी को। थैंक यू सो मच, कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।